हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स बाय तरणी गोस्वामी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉर्च कॉम्प्लेक्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉर्च कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या है इसका? तो इसमें जो टी ओ आर सी एच, इन सबका अलग अलग मीनिंग है। तो ये वाइवा में काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, टॉर्च कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स इन इन्फेंट्स ड्यू टू इन्फेक्शन विद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड। तो ये स्पेशली टॉर्च कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं इन्फेंट्स में, ठीक है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स आते हैं और सबके कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड है? सबसे पहले टी से आपको याद रखना है टॉक्सोप्लाज्मा। सेकेंड ओ से आता है अदर्स। अब अदर्स के अंदर भी कौन कौन से आएंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आर से आता है रूबेला वायरस। सी से आता है साइटोमेगैलो वायरस। एंड एच से आता है हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। नाउ इस अदर्स वाली कैटेगरी में क्या आएगा? अगर हम ओ को आगे डिफरेंशिएट करें तो इस अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर आता है आपका हेपेटाइटिस बी, मम्स एंड पोलियो वायरस। ओके, सो इतने सारे वायरस की वजह से एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स जब निकल कर आते हैं और स्पेशली जब ये इन्फेंट्स के अंदर देखा जाता है तो उसको कहा जाता है टॉर्च कॉम्प्लेक्स। ओके, द इन्फेक्शन मे बी एक्वायर्ड बाय द फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ। और ऐसा हो सकता है कि ये जो इन्फेक्शन है, जो टॉर्च कॉम्प्लेक्स है, ये इंट्रायूटराइन लाइफ में, मतलब कि जब फीटस यूट्रस के अंदर है उस टाइम पे भी ये इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है फीटस के, और पेरिनेटली एंड डैमेज द फीटस और इन्फेंट। हो सकता है कि अगर वो देखो इंट्रायूटराइन लाइफ में हो रहा है तो क्या करेगा, वो इन्फेंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। सिंस द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्च ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, इट इज कॉमन प्रैक्टिस और अ टेस्ट फॉर ऑल द फोर मेन टॉर्च एजेंट्स इन अ सस्पेक्टेड प्रेग्नेंट मदर और इन्फेंट। तो टॉर्च कॉम्प्लेक्स का टेस्ट जरूर किया जाता है अगर हमें किसी मदर में या किसी इन्फेंट में लगता है कि मे बी उसको टॉर्च कॉम्प्लेक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं या हमें पता चलता है कि इसमें टॉर्च एजेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें चार चार कौन कौन से, ये टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज वायरस। इन चारों का टेस्ट तो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्च कॉम्प्लेक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।